बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, एक बड़ा सा जो है वो है क्यूब है, उसके डायमेंशन कितने हैं? 2.25 मीटर, हाँ ये है 1.5 मीटर, और जो हाइट है दैट इज 27 सेंटीमीटर। देखो एक चीज सेंटीमीटर में, दोनों मीटर्स में, इसका वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगी तो 2.25 इंटू 1.5 इंटू 27, इन दोनों को सेंटीमीटर में कर दें, इसको भी करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सब सेंटीमीटर में आ गया ना। ठीक है सही, अब या फिर ऐसा करें कि इस सब सेंटीमीटर में कर लेते हैं, ठीक है इतना हो गया राइट। चलो अब अंदर हमें छोटे छोटे क्यूब्स बनाने हैं इसके, इस क्यूब्स का जो साइड है दैट इज 45 सेंटीमीटर, तो इसमें V1 से कर लो, मतलब 45 इंटू 45 एल बी एच, तीनों चीजें 45 45 45 है ना। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो होंगे, जो इसमें से निकले होंगे नंबर ऑफ क्यूब्स, वो कितना होगा? बड़े वाले को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है सही, मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया। ठीक, तो तुम्हारे पास यहां पे आंसर आ जाएगा 10, 10 आ जाएगा, इसका मतलब यहां से हमें 10 क्यूब निकल सकते हैं, क्लियर? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की एक्सरसाइज, बहुत लंबी एक्सरसाइज है ना, कितने सारे 27 क्वेश्चन, तो सब समझाने वाले है ना, ऐसा नहीं था कि मैं तुम लोग को ऊपर छोड़ देती कि भाई तुम ही लोग खुद ही कर लेना, एक से है ना, सबको समझाना पड़ रहा है। चलो, सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड कॉस्ट ₹256, देखो कॉस्ट जो आई है मुझे क्यूबिकल बॉक्स की दैट इज ₹256 टोटल कॉस्ट, ठीक है, और कितना रेट चल रहा है एट 500 पर मीटर क्यूब, इस रेट पे बना तो इतना कॉस्ट आई है उसकी। ठीक है, तो वॉल्यूम इंटू, अगर मैं कॉस्ट करती हूँ एक मीटर की कॉस्ट करती हूँ वॉल्यूम से, तभी तो मुझे टोटल कॉस्ट मिलती है कि नहीं? तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो मैं टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर मीटर कर दूं, है ना, तो मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। यहाँ है टोटल कॉस्ट 256, कॉस्ट पर मीटर हो गई 500, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर क्यूब। ठीक है, अब अगला क्या करते हैं, हम इस मीटर क्यूब को अगर मैं सेंटीमीटर में करती हूँ तो मैं कैसे करूंगी? वॉल्यूम आया 0.15 मीटर क्यूब, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए मुझे 100 फिर से 100 इंटू सेंटीमीटर, तभी तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, एक दफा करने से नहीं होगा ना, तुमने मीटर को सेंटीमीटर में करोगे लेकिन यहाँ पे क्यूब लगा हुआ है तो मुझे तीन दफा ही करना पड़ेगा, है ना, तो ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 512 1 2 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्लियर सही। अब तुम देखो ये कितना होता है साइड क्यूब होता है, इसको मैं 8 × 8 × 8 लिख दूं तो दैट मीन साइड कितनी निकल के आई तुम्हारी 80 × 80 × 80, तो ये साइड कितनी निकल के आ गई 80 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ढेर सारा शेयर करो, मुझे मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए तुम लोगों से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।